हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप कि आज का मार्केट आपको अच्छा लगा, अच्छे पैसे कमाए होंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ें, ताकि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको हम सुधार सकें, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा सकें और उनकी हेल्प कर सकें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा नॉर्मल सा एक प्रिडिक्शन होगा, जो कि एनालिसिस के बेस पे होगा कि कल मार्केट क्या कर सकता है, कल मार्केट की क्या चाल हो सकती है और किस दिशा में हो सकती है। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि कल ऑलरेडी हमने ये चीज़ प्रिडिक्ट करा था एज पर दी एनालिसिस की मार्केट जो है गैप अप हो सकता है, दिवाली जो है पास आ रही है और इंडिया विक्स जो है थोड़ा नीचे आ रहा है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिसने भी ओवरनाइट अगर कैरी फॉरवर्ड करा होगा, खासकर ऑप्शन कॉल, तो उसको अच्छा खासा मुनाफा देखे गया होगा, स्पेशली इन द निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो आज का अगर हम चार्ट देखें, स्पेशली निफ्टी का, तो ऑलरेडी मैंने बॉक्स बना रखा है। आज का जो मार्केट है वो गैप अप ओपन हुआ था काफ़ी अच्छा पॉइंट से, 7329 से डायरेक्ट 468 या 440 के अराउंड ओपन होकर डायरेक्ट ही, मतलब काफ़ी एक अच्छी चाल, 100-150 पॉइंट ओपन होके ही, ये लगभग 100-150 के बीच में ओपन होके ही निफ्टी ने अच्छा एक गैप अप ओपनिंग दे दी थी। उसके बाद अगर जो ऑलरेडी हमने ये लाइन बना रखी है, लाइन के ब्रीच होते जिसने भी एंटर लिया होगा उसको प्रॉफिट बाइंग में मिला होगा, लेकिन थोड़ा मिला होगा। बट आई होप कि उसने ज़्यादा लालच, जिसने भी ये चीज़ करी होगी, अगर ज़्यादा लालच नहीं करी होगी तो उसने अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। उसके बाद आप देखिए साइड मूव से मैंने फिलहाल कोई इसमें ट्रेड नहीं लिया था, सिर्फ मैंने खुद ने पर्सनली दो ट्रेड लिए थे, एक ऑप्शन बाइंग का इन द बिगनिंग, जो कि मैंने मुश्किल से 45-50 मिनट्स ही ट्रेड करा, उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मैंने ऑप्शन सेलिंग पे एक ट्रेड लिया था, बस ऑप्शन सेलिंग पे मैंने एट दी एंड तक बना रहा था, जो कि मुझे अच्छा खासा यहाँ पे नॉर्मल सा एक एवरेज प्रॉफिट दे के चले गया था। तो हमारी तरफ, मेरी तरफ से तो एक सिर्फ दो ही ट्रेड हुए थे, नॉर्मल था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ट्रेडर्स ने भी, जो कि नए हैं, बिगनर हैं, उन्होंने भी अपना अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो निफ्टी की अगर हम कल की प्रिडिक्शन की बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे ऑलरेडी मैंने ये ट्रेंड लाइन कल बनाई थी, ये मैंने आज ऑलरेडी बना के रखी है, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ या तो इसको ब्रीच करके ऊपर जा सकता है या तो फिर इसके अंदर नॉर्मल ओपनिंग देता है, तो ये चीज़ हम वेट करेंगे। अगर ये 515 जो है ये टूट रहा है या ऊपर जा रहा है तो ही हम एंटर लेंगे, वो भी 15-20 मिनट कैंडल वॉच के बाद ही। इसके बाद ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखा है, अगर यहाँ तक जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो गैप डाउन में भी हम ये चीज़ देखेंगे कि 424 के नीचे जा रहा है या नहीं, या फिर बॉक्स के अंदर ही जो है साइडवेज में जा रहा है। तो अगर मैं जैसे आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे, परसों एक्सपायरी है, तो हो सकता है कल भी जो है प्रीमियम डीके हो। अगर आप ऑप्शन बाय करें तो ध्यान रखिए कि जितनी जल्दी हो सके अपना टारगेट लेके एग्जिट करिएगा, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे जो है थोड़ा सा एज पर द कंपेरिजन मंडे ट्यूजडे के अकॉर्डिंगली वेडनेसडे को थोड़ा सा प्रीमियम डीके जो है वो तेज होता है, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे जो होता है वो एक्सपायरी डे होता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन सेलिंग जो है वो तो प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा रिस्क रहता है, ऑप्शन सेलिंग में भी रहता है, बट उसका एक अलग डेफिनेशन है और ऑप्शन बाइंग का अलग डेफिनेशन है। तो ऑप्शन बाइंग के अकॉर्डिंगली में जो भी करते हैं, मैं उनको ये पर्सनली बोलना चाहूँगा कि अगर आप वेडनेसडे थर्सडे को ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो वो बात हो जाती है, या तो आपका 10,000 का 1,00,000 बनेगा या तो 10,000 के जीरो भी हो सकते हैं, ये एक्सपायरी डे के लिए। लेकिन एक्सपायरी डे से एक दिन पहले के लिए मैं यही बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप ऑप्शन बाय करके उससे एग्जिट करिए अपना टारगेट। अगर आप लिमिटेड भी रखेंगे, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, तो भी आप डेली बेसिस से शेयर मार्केट से अर्न कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आप अपने डेली बेसिस की लर्निंग को बढ़ाएं, आप अपना होमवर्क करके ही मार्केट में बैठे, आप डेली बेसिस मार्केट को जो है ट्रैक करें, ट्रेल करें, कैंडल्स पैटर्न को स्टडी करना सीखें। यही चीज़ें जो आपको आगे ले जाएगी। और अगर इसके अलावा आप बेसिक से भी अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहते हैं आप, किस में आपका गैप हो रहा है या फिर क्या आप सीखना चाहते हैं, बिल्कुल मैं बेझिझक उस पर्टिकुलर पैटर्न टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये तो बात रही निफ्टी की कि निफ्टी कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें कहाँ तक ट्रेल करना है और हमें कब एंट्री लेनी है, तो ध्यान रखिएगा ये 515 है, ये आज का हाई तो नहीं है, आज का हाई जो है वो यहाँ पे, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो हम ऊपर एंट्री लेने का सोच सकते हैं, 528-530 के अराउंड हम एंट्री लेने का सोच सकते हैं, और अगर नीचे जा रहा है तो आज का लो ब्रेक कर रहा है तो हम एंट्री लेने का सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का भी सेम चीज़ था, गैप अप ओपन हो उसके बाद साइडवेज, उसके बाद ऑलरेडी आज का हाई मैंने मार्क कर रखा है 40,432, ये ब्रीच हो रहा है तो फिर कल हम एक अप नॉर्मल ऊपर एक बुलिश व्यू देख सकते हैं, और अगर नीचे आ रहा है तो आज का लो अगर तोड़ रहा है मार्केट
40,146 या 48 ये जा रहा है, तो हम सेल साइड या पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप नॉर्मली ऐसे स्टडी करते हैं, आपका जो एनालिसिस है वो बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस भले माइंड में हो या फिर आपके ब्रोकरेज ऐप पे हो, आप जरूर बना के रखें, और खासकर अपना टारगेट भी बना के रखें। ज़्यादा लालच ना करें, स्टडी करें, कैंडल पैटर्न रोज के रोज आप अपने बेहतर करने, कैंडल पैटर्न की स्टडीज आपको बेहतर करने में आप अपने ज़्यादा समय बिताएं, मार्केट को डेली बेसिस पे एनालिसिस करें। और अगर मैं बात यूएस डॉलर की करूँ तो यूएस डॉलर भी फिलहाल जो है आप देख सकते हैं, अगर मैं 5 मिनट के कैंडल पे इसमें देख रहा हूँ, 15 मिनट के इसमें देखूँ तो अपवर्ड काफ़ी जा रहा है। आज 18 अक्टूबर है, ऊपर ही जा रहा है, तो शायद हो सकता है कल हमारा मार्केट जो है माइनस में जा सके, या फिर फ्लैट हो सके, या फिर साइडवेज हो सके, क्योंकि परसों जो है एक्सपायरी है, तो हम यही प्रिडिक्ट यही एनालिसिस कर सकते हैं कि या तो कल साइडवेज होगा मार्केट या तो फ्लैट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फिलहाल हमारी तरफ से पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं है, आप अपनी तरफ से भी एनालिसिस करें मार्केट को, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। इंडिया विक्स का भी अगर हम हाल देखें तो इंडिया विक्स ने भी आज काफ़ी लो बनाया था 16,557 का, उसके बाद से ऊपर जाके साइडवेज हुआ है, तो हम यही चीज़ उम्मीद मार्केट से भी कल के लिए कर सकते हैं। अगर और नीचे गिर रहा है तो हमारा मार्केट प्लस में जाने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है, खासकर 18 को तोड़ रहा है या 18 के ऊपर जा रहा है, तो हमारा मार्केट नीचे गिर सकता है। तो इंडिया विक्स को भी ट्रेल करते रहिएगा। और अगर नैसडेक के मैं लास्ट जो मार्केट के बात करो, 17 अक्टूबर जो कि कल था, उसमें ओपन गैप अप ओपन होने के बाद अमेरिकन मार्केट भी जो है साइडवेज हो गया था। तो ये चीज़ बारीकियां हैं, आप सारी चीज़ें डेली बेसिस पे एनालिसिस करते रहिए, देखते रहिए, ट्रैक करते रहिए, दिन ब दिन आपका खुद ही जो चीज़ें हैं वो बेहतर होने लग जाएगी। इसके अलावा अगर आज का मैं जो कि है अच्छा चेंजेस आया है जिसके अंदर अगर मैं वो वाला स्टॉक देखूँ, तो एक सबसे पहला आता है SBIN। हमने कल भी ट्रैक करा था, कल भी हमने इस पर कुछ एनालिसिस शेयर करे थे, जो कि 550 545, आप देख सकते हैं गैप है वो एकदम, आप मेरा कल का वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने ये चीज़ कहा था कि एक बॉक्स के एकदम टॉप पे है, तो ऊपर जाने के चांसेस अगर गैप अप होता तो ऊपर ही जाएगा, और सेम चीज़ आज SBIN के साथ हुआ, गैप अप हुआ, देख लीजिए 545 का लेवल तोड़ा, 550 का भी तोड़ा, उसके बाद यहाँ तक जिसने बैठा जो भी बैठा होगा उसने अच्छा खासा इंट्राडे में या डिलीवरी कैश में प्रॉफिट बनाया होगा। तो आप आगे का एनालिसिस ये रहेगा कि अलग अलग लेवल से अलग अलग टाइम फ्रेम में मैंने बनाए हैं, आप भी अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करिए और सीखने की कोशिश करिए, और उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट रखिए, और उसी हिसाब से आप ट्रेड में एंटर भी करिएगा। इसके अलावा अगर एक और मैं स्टॉक की बात करूँ तो वो है अडानी पोर्ट्स। एक बार अडानी पोर्ट्स में हम चेक कर लेते हैं कि अडानी पोर्ट्स में आज का अडानी पोर्ट्स का क्या चाल था और कल हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये देखिए, ऑलरेडी मैं बॉक्स बना चुका हूँ, गैप अप ओपनिंग के साथ साइडवेज हुआ था। आज का हाई जो है, अगर कल मार्केट प्लस में रहता है, ये ब्रेक करता है 820 का लेवल का, देख सकते हैं ऑलरेडी 820 का लेवल हम एनालिसिस कर सकते हैं, 820 हो गया या 818 हो गया, आप इनमें से कोई सा भी जो आपको टारगेट लग रहा है, सूटेबल लग रहा है। अगर आप बिगनर हो तो मेरे मानो तो जितना छोटा आप टारगेट लेके चलेंगे और नॉर्मल स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा बाकी आयशर मोटर, अगर आयशर मोटर में भी चेक कर लूँ, आयशर मोटर की परफॉर्मेंस आज की जो की थी काफ़ी अच्छी थी। अगर आप देखा जाए तो एक साइड ट्रेंड बनाया, एकदम बुलिश ट्रेंड बनाया है, इसके बाद जो इसका हाई है हम ये उम्मीद करते हैं कि कल ये भी टच कर सकता है, और अगर उसके बीच में आप एंटर लेना चाहें तो मेरी मानिए, मेरा जो सजेशन है वो मैं यहाँ के यहाँ पे अगर ये 3,628 अगर ब्रीच कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, उसके बाद मैं वेट करूंगा 15-20 मिनट कैंडल क्लोजिंग की, उसके बाद ही मैं एंटर लेने की सोचूंगा, और मेरा टारगेट जो होगा 3,652। ऐसा एज पर दी एनालिसिस है, आप अपनी तरफ से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा, अपना स्टॉप लॉस और टारगेट और अपने कैपिटल के हिसाब से। सारा कैपिटल आप एक ही ट्रेड में मत लगेगा, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें करिए, आप डेली बेसिस पे बिल्कुल अर्न कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपना वीडियो, हमारा वीडियो जो है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम इसमें क्या और बेहतर कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप स्पेशली क्या चाहते हैं कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात करूँ, डेली मार्केट एनालिसिस के अलावा मैं और किस चीज़ पर बात करूँ, किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको पसंद आए, प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट।